अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां जारी हैं, तो वहीं देश भर में राम मंदिर को लेकर खासा उत्साह के साथ अक्षत बांट कर निमंत्रण दिया जा रहा है। कलश यात्रा भी निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव खुद अक्षत लेकर घर घर जा रहे हैं और लोगों को निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के विदिशा रोड भानपुर स्थित पारसधाम कॉलोनी में पहुंचे और यहां श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अक्षत आमंत्रण टोली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों के घर घर जाकर अयोध्या में श्री राम मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रण कार्ड वितरित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदिर में पूजा अर्चना करके कलश यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर भी शामिल रही। इस दौरान मीडिया से चर्चा में सीएम मोहन यादव ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम अपने घर में विराजने जा रहे हैं। हम लोगों को अक्षत भेंट कर आमंत्रण देने आए हैं। जिस भी राम भक्त के कदम अयोध्या की तरफ बढ़ेंगे, उसका मध्य प्रदेश सरकार स्वागत करेगी। लंबे संघर्ष के बाद ये शुभ अवसर आया है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने लोगों से अपील भी की और कहा कि रामलला के मंदिर का लोकार्पण हो जाए, फिर आप लोग आराम से अयोध्या जाएं, रामलला के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर घर घर दीपावली मनाएं। पुरानी परंपरा है कि घर घर निमंत्रण देना, तो मैं सभी नगरवासियों को निमंत्रण दे रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो भव्य कार्यक्रम होने वाला है, हम तो मान के चल रहे हैं कि ये वास्तव में तीसरी दिवाली की शुरुआत है और दिवाली के 20 दिन पहले हमको मालूम है कि दशहरे से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। तो एक तरह से आज दशहरे की हमारा आज ये प्रसंग है और इस प्रसंग के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूँ। प्रभु राम ने जिस प्रकार से जीवन दिया है वो सबको सदबुद्धि दे, परमात्मा यशस्वी करे, राम राज्य की पुनर्स्थापना हो, सभी के घर घर आनंद और खुशी का वातावरण है। मध्य प्रदेश सरकार पलक पावड़े बिछाकर सबको अभिनंदन करना चाहती है और प्रदेशवासियों को अक्षत कलश के साथ, तो ये कलश हमने अक्षत का रवाना किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पहली बार अपने बीच पाकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उनका उत्साह से स्वागत किया और जय महाकाल के नारे भी लगाए। वहीं इस दौरान कलश यात्रा में भानपुर क्षेत्र की जनता बड़ी संख्या में शामिल हुई। आमंत्रण पत्र को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा।